हाथी पर आकर माँ दुर्गा इन पांच राशि वालों को देंगी आशीर्वाद। नवरात्रि पर अब की बार माता का आगमन हाथी से होने जा रहा है। ऐसे में जो ग्रह योग संयोग बन रहे हैं उसमें अगले एक साल तक किस राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा। नवरात्रि पर अब की बार माता का आगमन हाथी से होने जा रहा है। ऐसे में जो ग्रह योग संयोग बन रहे हैं उससे अगले एक साल तक किस राशि पर कैसा रहेगा प्रभाव, किन किन राशियों पर रहेगी माता की खास कृपा देखिए। नवरात्रि विशेष राशिफल मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह अवधि मिश्रित फलदायी रहेगी। माता रानी सलाह दे रही है कि कुछ कार्य आपको ध्यान और सावधानी के साथ करने की आवश्यकता पड़ेगी। विदेशी कंपनी में काम करने वाले या विदेशी लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे और भविष्य में इससे अच्छा लाभ भी होगा। हालांकि अपने खर्चों पर ध्यान रखें अन्यथा वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है। माता रानी की कृपा से आध्यात्मिकता के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा और सामाजिक संबंधों में भी इजाफा होगा। मिथुन राशि वालों पर माँ की असीम कृपा बनी रहेगी और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वे माता के आशीर्वाद से पूरी होंगी। नौकरी व व्यापार करने वाले जातक अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे और परिवार वालों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। हालांकि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। माँ की कृपा से आपकी सफलता की चर्चा चारों तरफ होगी। कर्क राशि वालों को माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा और उनके काफी दिनों से चले आ रहे अटके कार्य पूरे होंगे। ससुराल पक्ष से आपके संबंध मधुर रहेंगे और वे हमेशा मदद के लिए तैयार रहेंगे। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो माता की कृपा से आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। हालांकि आपको अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। आसपास का तनाव और नकारात्मक प्रभाव आपके काम की गुणवत्ता और परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, इसलिए अपने कार्य को सही तरह से पूरा करें। तुला राशि वालों को माँ दुर्गा के आशीर्वाद से मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। माँ दुर्गा की कृपा से आपकी लव लाइफ सकारात्मक और सुखी रहेगी। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि विरोधियों को कम ना आके कोशिश करें कि आपका काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। घर के सदस्यों के साथ संबंधों को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। माँ दुर्गा की कृपा से नौकरी पेशा जातकों की टीम और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से वृश्चिक राशि वालों के घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। माँ के आशीर्वाद के कारण आपके पुराने निवेशों से कुछ अच्छे पुरस्कार की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र में कुछ जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। किसी प्रकार की संपत्ति से आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं और आय से भी वृद्धि होने की संभावना है। माँ भवानी की कृपा से परिजनों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और उनकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में माता की कृपा से कई सुधार देखने को मिलेंगे। आप अपने सकारात्मक विचार और आकर्षण हर समस्या से निजात पा लेंगे और परिवार व प्रियजनों के साथ आराम और कुशल महसूस करेंगे। माता रानी के आशीर्वाद से आपके मन में हर्ष और उल्लास की भावना रहेगी। इस राशि के जो जातक रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको माँ दुर्गा की कृपा मंजिल जल्द मिल जाएगी। लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे लेकिन अगर कोई योजना पर काम कर रहे हैं तो उसे लागू करने तक गुप्त रखें। मीन राशि वाले माता रानी की कृपा से हर कार्य में सक्रिय नजर आएंगे और इनकी यही सक्रियता समाज और कार्य क्षेत्र में सम्मान दिलाएगी। घर में चल रही पूजा पाठ की वजह से सकारात्मक महसूस करेंगे और अगर नए कार्य शुरू करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा का नाम लेकर करेंगे तो सफल भी होंगे। कुटुंब में किसी धार्मिक आयोजन के चलते घर से बाहर यात्रा पर जा सकते हैं। पिता के साथ किसी गलतफहमी के चलते विवाद की आशंका बन रही है लेकिन बातचीत के माध्यम से गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करें। धर्म कथाएं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।